ये एक रैम के एरर कोड वाला यहाँ पे मदरबोर्ड है, जिसके अंदर मदरबोर्ड को स्टार्ट करते ही ये रैम की एरर बता रहा है। और अगर मैं इसमें से रैम निकाल देता हूँ, तो रैम निकाल देने से ये बीप साउंड लगाता है। तो यहाँ पे रैम का प्रॉब्लम है, और इस रैम के प्रॉब्लम के लिए कुछ इस तरह से है, हम रैम के पावर सप्लाई को चेक करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ मॉस्फेट वगैरह लगे हुए हैं। जो यहाँ पे एक आईसी है, जो एक ड्यूअल पैकेज आईसी है, ड्यूअल मॉस्फेट की, एक एन चैनल मॉस्फेट है, एक पी चैनल मॉस्फेट है इस आईसी के अंदर, और इसका नंबर है F7338, जो यहाँ पे फुली हुई दिख रही है। तो ये एक रैम का पावर सप्लाई है। इस रैम के पावर सप्लाई को, यानी कि इस आईसी को चेंज करके अभी हम लोग रिजल्ट देखते हैं उसका। मेरे पास में ऑलरेडी एक आईसी है, ये खराब आईसी है, तो इसकी जगह पे नया आईसी रिप्लेस कर देते हैं। भी एक नया आईसी यहाँ पे लगा दिया है। भी इसके ऊपर रैम लगाते हैं। और एक बार पावर ऑन करके चेक करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा प्रॉब्लम हो गया क्लियर, यानी कि ये रैम सेक्शन के ऊपर अटका हुआ था। रैम सेक्शन का पावर सप्लाई उसका बंद था, जिसके कारण ये काम नहीं कर रहा था। अब ये डिस्प्ले ओके हो गया। तो इस तरह से एक रैम का पावर सप्लाई हम रैम के पीछे देख के, या फिर उसके आगे के जो नेटवर्क रजिस्टर है, उन सभी चीज़ों को मुझे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता अगर मेरा पावर सप्लाई सही होता तो। रैम के पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे देख लिख लेते हैं। एक है IRF7338 आईसी, जो एक ड्यूअल पैकेज मॉस्फेट में है। इस आईसी के अंदर लेग नंबर, पिन नंबर 1 2, यहाँ पे पिन नंबर 1 है सोर्स, पिन नंबर 2 है गेट, और ये एक मॉस्फेट है, और वो एन चैनल का मॉस्फेट है, और इसका ड्रेन है यहाँ पे पिन नंबर 7 और 8 के ऊपर। वैसे ही S2 और G2, तो सोर्स 2 G2 3 और 4 नंबर की पिन, और उसका ड्रेन है 6 और 5 नंबर की पिन, और ये एक पी चैनल मॉस्फेट है। तो जैसे हमने आगे देखा था, 7338 का दूसरा एक इक्विवेलेंट नंबर है 4500। तो इसका और इसका पैकेज दोनों किस तरह से मैच होता है उसको देख लेते हैं। यह है एक APM 4500, ये भी एक ड्यूअल एनहांस मोड एन चैनल और पी चैनल का मॉस्फेट है, जिसके अंदर पैकेज उसी तरीके से है जो हमारा 7338 का था। और यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, एक एन चैनल का मॉस्फेट है, एक पी चैनल का मॉस्फेट है। इन दोनों के पैकेज के अंदर देखिए सिमिलारिटी है इस तरह से कि 7338 के अंदर ऊपर जो है पिन नंबर 1 2 और 7 8 नंबर की पिन से जुड़ा एक एन चैनल का मॉस्फेट। तो यहाँ पे भी एक एन चैनल का मॉस्फेट जो है S1 G1 और D1, यानी कि 1 2 7 8। उसी तरीके से पी चैनल का मॉस्फेट, जिसके अंदर S2 G2 D2 D2, तो ये पिन नंबर है हमारी 3 4 5।
तो ये पिन है हमारी 3, 4, 5 एंड 6। तो उसी तरीके से यहां पे भी एक पी चैनल का मॉस्फेट है जिसकी पिन है 3, 4, 5 एंड 6। तो ये दोनों मॉस्फेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो एक ड्यूअल मॉस्फेट से भी एक रैम का पावर सप्लाई बनाया जाता है। तो इस तरह से एक पावर सप्लाई आ सकता है। यह है एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी LM1117 और जिसकी अवेलेबिलिटी कुछ इस तरह से है, वो 1.8, 2.5, 2.85, 3.35 वोल्ट एंड एडजस्टेबल वर्जनों के अंदर मिलती है। और इसके अंदर पिन नंबर यहाँ पे इस तरह से है, एक इनपुट है, एक ग्राउंड है, एक आउटपुट है। तो इस तरह से अलग अलग नंबर की यहाँ पे SOIC है जो इस पैकेज में इस तरह से आपको दिखेगी। जिसके अंदर पिन नंबर 1 एडजस्ट है, पिन नंबर 2 आउटपुट है और पिन नंबर 3 इनपुट है। तो एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी से भी हमें मालूम पड़ता है कि वो पावर सप्लाई के लिए कहां पे यूज हुई है। यह है 3055L MOSFET जो हमारे एक स्विच ऑन MOSFET की जगह पे आप यूज कर सकते हो। और ये इक्विवेलेंट है अगर जहां पे क्रिया स्विच ऑन की हो रही है तो उसकी जगह पे आप एन चैनल का MOSFET यूज कर सकते हो। तो इस तरह से एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी एक सिंगल MOSFET से इस तरह के दो MOSFET यूज करके और ड्यूअल MOSFET के पैकेज में इस तरह के पावर सप्लाई हमारे रैम के लिए बनते हैं।